हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट आईटीआई पे। प्राइवेट आईटीआई से करना है आईटीआई तो क्या आपको प्राइवेट आईटीआई से करने से कोई लाभ है या नहीं, आईटीआई की मान्यता कहाँ से होना चाहिए, क्यों आखिर आईटीआई का फीस जो है अलग अलग है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, किसी का कोई फीस का कोई पैमाना ही नहीं है। प्राइवेट आईटीआई का बिहार हो या कहीं भी अन्य राज्य में प्राइवेट आईटीआई का फीस का कोई पैमाना नहीं है, क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि किस आईटीआई में आपको एडमिशन लेना चाहिए। आप जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट बताती हैं आपको, बहुत सारे चीज बता देते हैं, लेकिन जब आपको एडमिशन हो जाता है तो आपको अवैध तरीके से पैसा उछला जाता है बहुत गलत गलत चीजों के नाम पे। जो बहुत लोग हमें सुन रहे होंगे, पुराने बच्चे अगर इस चीज को सुन रहे हैं तो वो जरूर बताएं कि बेवजह पैसे किस तरह से उछले जाते हैं प्राइवेट आईटीआई में। इन सभी चीजों से आपको बचना होगा और प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन करा के बहुत बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। तो इसलिए जो है, अगर आप नए हैं, प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन कराने की सोच रहे हैं तो आप समझ जाइए। संभलना इसलिए जरूरी है कि अगर आप अच्छी जगह एडमिशन नहीं करते हैं तो आप अच्छा एजुकेशन नहीं प्राप्त कीजिएगा, तो आईटीआई पता चलेगा कि मात्र डिग्री भर रह गया और बस एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा। अगर बढ़िया जगह जाइएगा, बढ़िया आईटीआई में जाइएगा, तभी आप अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर लीजिएगा, जिससे जो है आप एक कुशल कारीगर, एक कुशल व्यक्ति बन पाइएगा, जो कि आगे चल के आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाइए तो सफलता प्राप्त कीजिएगा, या गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब में भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब आप घटिया आईटीआई में एडमिशन करा लीजिएगा, प्राइवेट बहुत ऐसे घटिया आईटीआई है जहाँ केवल एडमिशन हो जाता है, पैसे उसे ले जाते हैं, पढ़ाई नहीं होता, तो इन सभी चीजों से आपको बचना होगा। सबसे पहले तो बताएंगे कि आईटीआई का मैंने पहले आप ध्यान दीजिए, और बहुत लोग ये भी सोचते हैं ना कि आईटीआई में जो है जाते हैं आप किसी किसी कॉलेज में तो उनका वर्कशॉप छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का कॉलेज बड़ा है, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत छोटा कॉलेज है। ये सभी चीजों को हम आपको क्लियर करने वाले हैं, क्या बड़े कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए, छोटे कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए, इन सभी चीज को आप बताने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। शायद इस वीडियो से बहुत संचालक नाराज भी होंगे। देखिये, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आईटीआई ITI होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हम कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। सबसे पहले आप जानिए कि कोई भी आईटीआई आपके यहाँ है तो किससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वह जो होता है एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त होना। एनसीबीटी क्या है? एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो यह जो है एनसीबीटी क्या है, तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। क्या होता है एनसीबीटी का फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद बारी आती है, उसके बाद ये आती है कि कॉलेज, कोई कोई देखिएगा इसी तरह बड़ा कॉलेज होता है, कोई कोई जो होता है छोटा कॉलेज होता है। क्या होता है? बड़ा कॉलेज होता है, कोई कोई छोटा कॉलेज है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके सबसे बड़ा कारण है कि जो आईटीआई यूनिट वाइज खुलते हैं, है ना, आईटीआई जो है यूनिट वाइज होते हैं। किसी आईटीआई जो 2 यूनिट का है, कोई आईटीआई 4 यूनिट का है, कोई आईटीआई 5 यूनिट का है, कोई आईटीआई 6 यूनिट का है। तो कोई कोई आईटीआई जो है कई यूनिट का है, 5 आईटीआई, 6 यूनिट, 7 यूनिट, ये जो है ट्रेड वाइज यूनिट होता है ना। मान लीजिए किसी आईटीआई में 6 यूनिट फिटर का ट्रेड है और 6 यूनिट इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है, और कोई आईटीआई ऐसा भी है जिसमें 2 यूनिट फिटर है, मिनिमम न्यूनतम जो है 2 यूनिट सभी आईटीआईओं में है, और इलेक्ट्रीशियन जो है 2 यूनिट है। सबसे पहले समझिएगा, इसमें जो है एक यूनिट में 20 छात्र होते हैं। कितने होते हैं? 20 छात्र होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जब 6 यूनिट का आईटीआई होगा तो इसके पास फिटर में केवल कैपेसिटी है 120 विद्यार्थी का। कितने विद्यार्थियों की कैपेसिटी है? 120 विद्यार्थियों का, और इलेक्ट्रीशियन में भी 120 विद्यार्थी का, मतलब होता है 240 विद्यार्थियों की कैपेसिटी है जिसमें 6 यूनिट का आईटीआई। अगर 2 यूनिट का आईटीआई है तो 40 प्लस 40 बटे 80, ये जो होता है
छोटा आईटीआई दिखेगा ही, ये यूनिट के अनुसार उन्हें मान्यता मिलती है कि कितने यूनिट को उनको मान्यता मिला। इसलिए जो है आईटीआई कॉलेज छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, इससे घबराना नहीं कि उनकी मान्यता मिलेगी कि नहीं। बस अब बात करते हैं फीस की, फीस क्या है प्राइवेट आईटीआई की। फीस प्राइवेट आईटीआई का न्यूनतम शुरू होता है इतना से 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। अब बात करते हैं 40,000, न्यूनतम जो है इतना पेमेंट जो है आईटीआई का है। 20 वाला 35 भी जा सकता है, 25 वाला 36 भी जा सकता है, 30 वाला 38 भी जा सकता है। आप सोचिएगा कि कैसे जाएगा, ये कैसे, ये आखिरकार ये पेमेंट कैसे बढ़ जाता है इतना। तो इन चीजों को ही तो ही जानना है आपको कि आखिरकार हमारा कम में एडमिशन हो गया, इतना पेमेंट कैसे बढ़ जाता है। इन चीजों को आपको जानना होगा। वो कैसे पता चलेगा, जहां भी आप कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो वहां के बच्चों से आप मिलिए, पहले उनसे रूबरू हो जाइए कि हाँ वहां पे जो है क्लास प्रॉपर चलते हैं कि नहीं, वहां टीचर अनुदेशक जो है गुणवत्तापूर्ण अनुदेशक है कि नहीं। पता चले आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई से निकला पढ़ा रहा है, नहीं वो आईटीआई में एक दिन क्लास भी करने नहीं गया, पढ़ा रहा है, ठीक है, नॉलेज है, अच्छी बात है। लेकिन नॉलेज ना हो, एक दिन आईटीआई में गया भी नहीं, अब वही बच्चे आईटीआई को पढ़ा रहे हो तो वो क्या पढ़ाएंगे। तीन चीजों को आपको जानना जरूरी है। आईटीआई में एडमिशन लेने के पहले सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि वहां पता कर लेना चाहिए कि किस तरह के अनुदेशक। आप रिसेप्शन काउंटर पर नहीं पूछेंगे, आप वहां के विद्यार्थियों से पूछेंगे कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं। क्या फीस अगर 25,000 में एडमिशन हो गया तो हमको 25,000 देना है कि और भी देना है। इन सभी चीजों को आप अगर पता कर लेंगे तो शायद जो है आपको जो है अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप अच्छे जगह से एडमिशन नहीं लेंगे तो आईटीआई एकदम बेकार हो जाएगा। आईटीआई क्या होगा, आपका एकदम बेकार होगा। फीस बहुत मनमानी उछला जाता है प्राइवेट आईटीआई द्वारा, इसलिए जो है सावधान होकर एडमिशन लें और ऐसे जगहों से एडमिशन लें जहां पढ़ाई होती है, प्रॉपर प्रैक्टिकल, प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल के लिए टीचर रखे गए हों, बहुत जो है नाम के लिए आईटीआई चलता है, बस फोटो खिंचाने के लिए बहुत फोटो खींचा जाता है, लेकिन जो है वहां पे वर्क होता है कि नहीं, इन सभी चीजों को आपको जानना जरूरी होता है। इसलिए जो है प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जो है आपको हम सावधान कर रहे हैं कि सबसे पहले इन गुणवत्ता को पता कीजिए, आईटीआई में क्या पढ़ाई होता है, नहीं पढ़ाई होता है, किस तरह के शिक्षक है और कहाँ से मान्यता प्राप्त है, कितने बच्चों का आईटीआई है आपका, तभी आपको पता चल जाएगा कि बड़ा है छोटा है। छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ अगर शिक्षण अच्छा हो, प्रशिक्षण देने वाले अनुदेशक अच्छे हो तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में। टूल्स आप मत जाइए, टूल्स और लेथ मशीनों पर मत जाइए, और सभी बहुत जगह बच्चे जाते हैं देखते हैं टूल्स लगा हुआ है, टूल्स ऐसा ऐसे भी आईटीआई है जहाँ टूल्स जो है छूने को भी नहीं मिला विद्यार्थियों को, तो इसलिए आपको सावधान करना हमारा कर्तव्य बनता था। और इस तरह की जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी पुराने विद्यार्थी आईटीआई कर चुके हैं तो वो नए बच्चों को गाइड करने के लिए कॉमेंट में जरूर लिखें कि आपके साथ क्या हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।